सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर कपल्स ऑफ वीडियो मिल जाएंगी, मतलब कि आपको कई सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैंने बना रखी है। बट अगेन, इस टॉपिक के ऊपर मेरा बात करने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि लोगों के जो डाउट हैं, जो लोगों को कन्फ्यूजन हो रहे हैं अभी भी, उनके कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। बेसिकली ये मैं इसलिए बोला हूँ कि देखो, मैंने काफ़ी सारा देखा है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को देख रहा हूँ जो पेड ग्रुप में जो बंदे हैं, वो जब आपस में डिस्कस करते हैं, मतलब कि आपस में जब चार्ट वगैरह शेयर करते हैं, जो भी बंदे चार्ट शेयर करते हैं, अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं, तो उनके मैं चार्ट देखता हूँ। तो बेसिकली उनके जो चार्ट में जो मार्किंग होती है, वो क्या होती है कि वो सिर्फ क्या करते हैं कि चार्ट की जो मार्किंग करते हैं या फिर स्ट्रक्चर की मार्किंग करते हैं, तो वो अपने सिर्फ ये जो करंट प्राइस चली है ना, आप लोग देखो ये जो इतना सा करंट प्राइस है, सिर्फ इतने से करंट प्राइस को मार्क करते हैं और कहीं पर भी ट्रेड कर लेते हैं। लाइक क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ कि जितने भी बंदे हैं अभी जो पेड ग्रुप में जो बंदे हैं जो डिस्कस करते रहते हैं, बाकी मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी लोगों के चार्ट वगैरह मेरे पास आते रहते हैं। तो उनके भी चार्ट में क्या दिक्कत आती है मुझे कि वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ इतने से पोर्शन को, मतलब कि जो करंट प्राइस है ना, वो उसी को मार्क करके मेरे पास शेयर करते हैं और अपने डाउट क्लियर करने लगते हैं, मुझसे पूछने लगते हैं कि ये स्ट्रक्चर सही है, फिर ये ऑर्डर बॉक्स सही है कि नहीं सही है। तो देखो, ये मैं चीज़ें क्लियर करता हूँ कि लोग क्या करते हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ करंट प्राइस को एज अपना यहाँ पर मार्क कर लेंगे बॉस, मान लो ये लोग मार्क करते हैं बॉस। अब क्या करेंगे कि मार्केट में यहाँ पर अपना इंड्यूसमेंट मार्क लेंगे, उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक सही है कि नहीं सही। तो देखो कि इसमें इतने से पोर्शन को, सिर्फ ये जो करंट प्राइस को आप लोग मार्क करके मेरे पास भेजते हो या फिर जो ग्रुप में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनके चार्ट को मैं आपको ऐसे नहीं बता पाऊंगा कि ये राइट है, ये ऑर्डर बुक सही है कि गलत है, ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा। और ये जो मार्किंग करने का आप लोगों का तरीका है, ये 1% भी सही नहीं है, 100% ये रॉन्ग है, बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो देखो, इसीलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर अगेन वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को कहाँ से स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी है, कौन से पॉइंट से आपको स्ट्रक्चर की मार्किंग करनी चाहिए, कितने प्रीवियस में जाके आप लोगों को डेटा लेना चाहिए। तो इस सभी टॉपिक के ऊपर मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। सो जितने भी बंदे क्या करते हैं कि सिर्फ करंट प्राइस को लेके स्ट्रक्चर की मार्किंग करके ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं और पूछते हैं कि सही कि रॉन्ग है, या फिर चार्ट वगैरह शेयर करते हैं रहते हैं, तो उनको अच्छे से ये वीडियो देखनी चाहिए। और देखो, मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि अगर आप इतने से पोर्शन को लेके मार्क करते हो या फिर इतने से करंट प्राइस को लेके आप ये जो स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत तो है ही, बट अगर आप यहाँ पर ट्रेड भी लेते हो ना, तो वो भी रॉन्ग ही रहेगा, क्योंकि ये जो आप मार्क कर रहे हो, क्या पता मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मार्केट में, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ कि मार्केट क्या है, भी देखो मार्केट में ये एक लो था और मार्केट ने इसको यहाँ पर ब्रेक किया है। हाँ, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया है, तो मार्केट के यहाँ पर क्या है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड है। और अगर आप लोग यहाँ पर मार्क करो कि इस वाले पोर्शन को, लाइक इतने से करंट प्राइस को मार्क कर लोगे, तो यहाँ पर आपने मार्क किया बॉस, अब आप लोग ले रहे हो अप ट्रेंड की साइड की जो ट्रेड है, तो यहाँ पर आपकी कैसे ट्रेड सही जाएगी, क्योंकि मार्केट क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर मार्केट ने इस वाले स्विंग लो को ब्रेक किया है, मेजर लो को ब्रेक किया है, तो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है। और आप लोग बैठे हो अप ट्रेंड के लिए, जो लोग यहाँ पर सिर्फ करंट प्राइस को मार्क करके ट्रेड वगैरह करते हैं, तो उनके ट्रेड तो 100% गलत ही होंगे, बाकी चार्ट भी उनके सही नहीं रहते हैं। तो इस केस में आप लोगों को क्या करना चाहिए, देखो मैं आपको फिर से स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, अपना 100% देने की कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर की जो मार्किंग है वो कहाँ से करनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को जो स्ट्रक्चर की मार्किंग है वो कहाँ से करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम को ले लो, लाइक आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो, 5 मिनट का ले लो, या 1 आवरली का ले लो, 4 आवरली या डेली, कोई सा भी टाइम फ्रेम ले लो। बट आपको करना क्या है कि आपको प्रीवियस में जाना है। अब प्रीवियस में कितने डेटा को आपको कलेक्ट करना है, लाइक यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये 15 मिनट का चार्ट है। आप 15 मिनट के चार्ट पे आप मान के चलो कि आपको 10 या 15 दिन का डेटा लेना है, मतलब प्रीवियस में आपको 10 या 15 दिन का डेटा लेना है। अगर आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी है, प्रॉपर एक अच्छे तरीके से मार्किंग करनी है, तो आपको 10 या 15 दिन का डेटा लेना पड़ेगा, तभी आपकी जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से मार्क होगी। बाकी अगर आप क्या कर सकते हो कि अपने चार्ट मैपिंग की जो मैपिंग है उसकी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो, तो आप जितना प्रीवियस में जाना चाहते हो वो जा सकते हो, वो बेटर रहेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। बाकी एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा कि आप 10 या 15 दिन का डेटा लो और स्ट्रक्चर आपको उस जगह से मार्क करनी है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ
कि आपको कहाँ से स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग करनी है। देखो मार्केट में क्या होता है कि एक डिप पॉइंट होता है, एक अप पॉइंट होता है। तो मार्केट में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, एक तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप जहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड है, मतलब सॉरी जो डिप पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पर भी एक हाई पॉइंट है, यहाँ पर भी एक लो पॉइंट है, यहाँ पर भी हाई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी लो पॉइंट है, तो कहाँ से आपको मार्क करनी चाहिए। तो ऐसे में तो आपको यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होगा, बट यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एक पॉइंट ये भी क्लियर करता हूँ कि आपको क्या करना है कि मार्केट ने अपना जो रीसेंट ट्रेंड, जो रीसेंट मार्केट का ट्रेंड था वो कहाँ से चेंज हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ड्राइंग करके समझाता हूँ कि लाइक मार्केट, देखो यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ प्रीवियस में आके कि मार्केट यहाँ से मान लो एक अप ट्रेंड लगाई, मार्केट का ये एक अप ट्रेंड था, मार्केट फिर से यहाँ पर डाउन ट्रेंड हुई, और उसके बाद मार्केट क्या की, यहाँ से फिर से एक अप ट्रेंड लगाई मार्केट ने, और यहाँ से फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड हुई, और अगेन मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड हुई। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो रीसेंट जो मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, आपको ये याद रखना है कि आपको अगर प्रीवियस में मार्क करना है, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ से मार्क करनी चाहिए, तो ये पॉइंट भी आपको अपने माइंड में सेव कर लेने चाहिए, नोटबुक में भी आप नोट कर सकते हो कि आपको ये याद करके रखना है कि मार्केट ने कहाँ से अपना जो रीसेंट ट्रेंड था मार्केट का, अगर आप लोग देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस वाले डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज किया, मतलब कि ये रीसेंट ट्रेंड हो गया, मतलब कि ये जो ट्रेंड है अभी चेंज हुआ है, तो मार्केट का ये रीसेंट ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। तो ये पॉइंट आप याद करके रख सकते हो कि जहाँ से मार्केट ने अपनी रीसेंट ट्रेंड को चेंज किया, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, वहाँ से आपको अपने स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो ये एक अप ट्रेंड मार्केट थी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से सॉरी यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड थी, और उसके बाद यहाँ से अप ट्रेंड हुई। तो मार्केट का जो पॉइंट है, यहाँ से ये वाली जो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ने अभी क्या किया, अपना रीसेंट ट्रेंड चेंज किया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रेड को सॉरी अपने स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रक्चर आप कैसे मार्क कर सकते हो। ये पॉइंट आप लोगों को याद करके रखनी, काफ़ी सारे लोग भूल जाते हैं कि स्ट्रक्चर की मैपिंग कहाँ कहाँ से करनी चाहिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आप अगर 15 मिनट के चार्ट को ले रहे हो तो आप 10-15 दिन के जो प्रीवियस डेटा है उनको देखो, और अगर आपको ये भी पता नहीं चला है कि स्ट्रक्चर की मैपिंग करना कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप ये याद करके रखो कि मार्केट ने अपना जो रीसेंट ट्रेंड था उसको कहाँ पर चेंज किया है। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड थी और यहीं से मार्केट ने अभी अपना रीसेंट जो ट्रेंड है उसको चेंज किया था। तो यहाँ से आप इस वाले पॉइंट से अपनी स्ट्रक्चर की मैपिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से मार्किंग कैसे कर सकते हो। सो आप लोग यहाँ पर देखो कि स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे स्ट्रक्चर की मार्किंग कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो मार्केट का रिसेंट ट्रेंड चला था, जो डाउन ट्रेंड चला था, उसमें आपको एक स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी है, एक पॉइंट की मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है डाउन ट्रेंड का, तभी आपको एक प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि मार्केट ने अपने ट्रेंड को कहाँ पर चेंज किया था। तो जो मार्केट का ट्रेंड था मतलब कि प्रीवियस वाला, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड था, तो इसमें भी आपको एक बॉस मार्क करना है, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है कि मार्केट ने कहाँ पर किया था। तो सबसे पहले आपको इस वाले ट्रेंड में आइडेंटिफाई करना है बॉस, तो इसको भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने बॉस किया है, ये है डाउन ट्रेंड की। और अगर मैं आपको इंड्यूसमेंट के बारे में बताऊं तो मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया है, ये हमारा इंड्यूसमेंट था, लो कन्फर्म हुआ, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अब ये डाउन ट्रेंड का हमने मार्क कर लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमें पता चल गया अपना हाई एंड लो, मार्केट का ये हाई कन्फर्म है, और मार्केट जब अपने हाई को ब्रेक कर देगी यहाँ से, तो ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। सो अभी यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अगर देखो यहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने बॉस किया, अगर मार्केट को कंटिन्यू अपना जो ट्रेंड था वो करना होता, मतलब कि डाउन ट्रेंड ही करना होता, तो मार्केट क्या करती, यहाँ से ये जो हमारा इंड्यूसमेंट था इसको मार्केट लेती और ये लो कन्फर्म हो गया था और इसको ब्रेक कर देती, लाइक यहाँ से मार्केट क्या करती, यहाँ से इस वाले लो को ब्रेक करती अपनी इंड्यूसमेंट लेने के बाद, तो ये मार्केट का जो डाउन ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहता। बट मार्केट ने क्या किया, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने इस वाले मेजर हाई को ब्रेक किया, तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हो गया चौक। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये दो पॉइंट आपको सबसे पहले देखने हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड था, जो रिसेंट ट्रेंड था, वो कहाँ पर चेंज हुआ है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड थी तो डाउन ट्रेंड होने से पहले, मतलब अप ट्रेंड होने से पहले मार्केट में जो डाउन ट्रेंड था उसका आपको एक बॉस मार्क करना है, तभी आपको एक प्रॉपर हाई पता चलेगा कि मार्केट का एक मेजर हाई कहाँ पर है, तभी आपको ये भी पता चलेगा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड कहाँ पर चेंज किया था, मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई थी। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से देखने, सबसे पहले आपको यही मार्क करने कि
मार्केट में जो प्रीवियस ट्रेंड था उसका बॉस कहाँ पर हुआ, बॉस होने के बाद हाई कंफर्म कर लेना है, और उसके बाद जब उस हाई को मार्केट ब्रेक करेगी तो वो चौक होगा। सो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, चौक किया। अब आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आपको स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी होती है तो आपको इंड्यूसमेंट की जरूरत होती है, इंड्यूसमेंट कंपलसरी होता है। अगर मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं ले रही तो वो हमारा जो बॉस होता है वो इनवैलिड होता है, वो फेक बॉस होता है। विदाउट इंड्यूसमेंट मार्केट अगर ले रही है, बॉस कर रही है, तो वो वैलिड बॉस नहीं होता है, वो फेक बॉस होता है। तो ये भी आपको पॉइंट को याद रखना है, जो लोग नए हैं उनको ये पॉइंट याद रखना है कि बिना इंड्यूसमेंट के मार्केट में जो बॉस होता है वो इनवैलिड होता है। सो हमारा जो फर्स्ट पुल बैक होता है वही हमारा इंड्यूसमेंट का काम करता है। अगर आप लोग नए हो, अगर आपको नहीं बताया तो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये एक पुल बैक आया था मार्केट में, ये जो चौक हुआ है उससे पहले मार्केट ने ये एक पुल बैक लगाया था, तो इसको हम मार्क करेंगे इंड्यूसमेंट। ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट, और मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तो मार्केट में जो इंड्यूसमेंट लिया उसके बाद हमारा हाई कंफर्म हुआ। जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है अप ट्रेंड में तो हमारा जो हाई होता है वो कंफर्म हो जाता है। इंड्यूसमेंट के तुरंत बाद हमारा हाई कंफर्म होता है, और जब मार्केट हाई ब्रेक कर देती है तो हमारा जो लो है वो कंफर्म हो जाता है। सो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ये जो हमारा लो है ये वाला ये कंफर्म हो गया, तो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। और उसके बाद अगेन आपको अगर वही सारे स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी, मतलब कि आपको कंटिन्यू स्ट्रक्चर की मार्किंग करनी है, तो आपको यही दो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं कि मार्केट ने बॉस कहाँ पे किया, सॉरी इंड्यूसमेंट कहाँ पर लिया और बॉस कहाँ पे किया। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर ये वाला हमारा बॉस करने से पहले ये एक पुल बैक आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग मार्क करेंगे एज अ इंड्यूसमेंट, ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। सो इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा हाई कंफर्म हो जाता है। सो कुछ इस लेवल पे ही हमारा हाई था, सो ये हाई कंफर्म हुआ। और अगर यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ कि मार्केट में थोड़ा सा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये जो पॉइंट है इसको मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है कि इसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो पार्सली यहाँ पर क्लोजिंग हो गई है तो ये हमारा वैलिड बॉस होगा। बट अगर मार्केट यहाँ पर क्या करती कि इसको स्वीप कर देती, ये वाली जो कैंडल है अगर ये कैंडल स्वीप कर देती यहाँ पर, तो ये क्या होता, ये हमारा इनवैलिड बॉस होता। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करती अगर ये वाली जो कैंडल थी अगर क्लोज ना करती, क्योंकि इसके ऊपर ये कैंडल ने क्लोज नहीं किया और इसके ऊपर इसने भी क्लोज नहीं किया, तो सिर्फ ये कैंडल ने क्लोज किया तो ये हमारा वैलिड बॉस हो गया। अगर ये कैंडल क्लोज ना करती तो यहाँ पर हमारा बॉस कन्फर्म नहीं होता, क्योंकि किसी ने भी अपने ऊपर जो है क्लोजिंग नहीं की थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जब भी मार्केट क्लोजिंग कर रही है तभी आपका जो बॉस है वो कंफर्म होगा, वो वैलिड होगा। अगर स्वीप कर दे रही है तो इनवैलिड हो जाएगा। सो यहाँ पर मार्केट ने क्लोज कर दिया था तो ये वैलिड बॉस होगा। और उसके बाद हमें अगेन क्या देखना है कि इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट का हाई कन्फर्म होता है, और उसके बाद मार्केट में जो हमारा हाई होता है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है, वैलिड बॉस होता है। सो यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक होने के बाद हमारा जो लो था वो कंफर्म हो गया कुछ इस लेवल पे। मार्केट ने डीपेस्ट जो पॉइंट था यहाँ पर लगाया था, तो ये हमारा लो कंफर्म हो जाएगा कुछ इस लेवल पे। सो इसको भी मार्क कर लेंगे। और उसके बाद अगेन वही सारे रूल आपको अच्छे से अप्लाई करते जाना है। देखो आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको यहाँ पर ये दो पॉइंट आपको अगर मिल गए मार्केट के अंदर, प्रीवियस में आपको क्या करना है कि प्रीवियस में आना है, और सबसे पहले क्या देखना है कि मार्केट का जो रिसेंट ट्रेंड है वो कहाँ पर चेंज हुआ है। सो अगर आप लोग देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड था और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया अपना अप ट्रेंड में, तो ये एक पॉइंट आपको मिल गया। अब उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट क्या देखना है, स्ट्रक्चर की मैपिंग करते समय आपको क्या देखना है कि मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड था, लाइक ये जो ट्रेंड था ये डाउन ट्रेंड था, ये प्रीवियस वाला हुआ, ये अप ट्रेंड या अभी हमारा प्रेजेंट में चला है, तो ये प्रीवियस वाला ट्रेंड था। अब इस प्रीवियस वाले ट्रेंड में आपको देखना है एक बॉस। अगर आपने मार्केट के अंदर ये दो पॉइंट आइडेंटिफाई करना सीख लिया, आपने इस दो पॉइंट को अच्छे से सीख लिया, तो आपकी जो स्ट्रक्चर की मैपिंग है वो काफ़ी एक्यूरेसी हो जाएगी, काफ़ी एक्यूरेट हो जाएगी, उसमें आपको कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि मार्केट के अंदर यही दो पॉइंट होते हैं जहां से आपकी स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है। तो आपको ये पॉइंट याद कर लेने हैं कि जो ट्रेंड था प्रीवियस, जो मार्केट ने कहाँ से ट्रेंड चेंज किया, और जो प्रीवियस ट्रेंड था उसमें आपको एक बॉस मार्क करना है, और हाई मार्क करके अपना अगर मार्केट चौक करे तो उसको चौक मार्क करने के बाद कंटिन्यू आपको सारे वही रूल अप्लाई करते जाना है, और आपकी स्ट्रक्चर एक एक्यूरेट और एक प्रॉपर तरीके से मार्किंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट क्या करिए, कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रही है। अब आपको अगर अगर मार्क करना है अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, तो वही देखना है कि यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ पे लिया। सो मार्केट का ये इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट का ये जो हाई था कुछ इस लेवल पे कंफर्म हुआ, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस वाले हाई को ब्रेक किया, ये हो गया वैलिड बॉस। उसके बाद मार्केट का जो लो था कुछ इस लो यहाँ पर लगाया था मार्केट ने, तो ये लो कंफर्म हो गया। अगेन आपको स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी है, मार्केट में इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करो, कुछ इस लेवल पे मार्केट का इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर हम लोग इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। और इंड्यूसमेंट लेते ही मार्केट का जो हाई था
अप ट्रेंड में हाई कंफर्म हो जाता है, और हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगी अपने हाई को, मार्केट में वैलिड बॉस होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और उसके बाद हमारा लो कंफर्म हो जाएगा कुछ इस लेवल पे। यहाँ तक मार्केट ने लो लगाया था। अब अगेन आपको स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी है, अगेन आपको वही सारे रूल अप्लाई करने हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले आपको इंड्यूसमेंट की आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर मार्केट ने इस वाले हाई को इस पॉइंट से ब्रेक किया था, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक किया था, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा एज ए इंड्यूसमेंट का काम करेगा, तो इसको हम मार्क करेंगे इंड्यूसमेंट, और ये हो गया इंड्यूसमेंट, और इसको हम लोग मार्क कर लेंगे अपना हाई। ये हाई कंफर्म हो गया जैसे मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया। यहाँ पर ये हाई हमारा कंफर्म हुआ क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया। अब यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा क्या किया, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखना कि मार्केट ने यहाँ पर ये किया स्वीप। अब मार्केट ने इसको ब्रेक तो किया है, बट मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अभी ये मार्केट में जो बॉस हुआ है ये इनवैलिड हुआ है, ये कंफर्म नहीं होगा क्योंकि मार्केट ने सिर्फ इसके ऊपर स्वीप किए, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की। क्लोजिंग करती तो वैलिड बॉस होता, बट मार्केट ने स्वीप करके अगेन मार्केट नीचे आ गई। तो यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए कि इस हाई के ऊपर हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा इंड्यूसमेंट था, ये वाला इंड्यूसमेंट हम लोग लाइक यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, और इस वाले हाई को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग यहाँ पर इस वाले हाई को शिफ्ट कर दोगे तभी भी चलेगा, और यहाँ पर रहेगा तभी भी ये प्रॉपर तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। बस यहाँ पर आप लोगों को क्या चाहिए, इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ये वैलिड बॉस हो जाएगा। अगर आप लोग इस वाले हाई को यहाँ पर भी रखोगे तो सिर्फ आपको इस वाले कैंडल के ऊपर, इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ये बस इतना मैटर करता है। तो आप लोग चाहो तो इसको सेव करके यहाँ पर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। तो हम लोग इसको रख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे अपना बॉस, क्योंकि मार्केट ने क्या किया कि इंड्यूसमेंट लिया और हाई कंफर्म करने के बाद मार्केट ने इसको बॉस किया, तो ये हो जाएगा हमारा वैलिड बॉस। सो ये मार्केट ने बॉस किया। अब हमारा जो लो था कुछ इस लेवल पे आके कंफर्म हुआ, यहाँ पर ये कंफर्म हो गया। अब अगेन आपको वही रूल अप्लाई करने, इंड्यूसमेंट देखो कि मार्केट ने कहाँ पर लिया। सो इंड्यूसमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर, अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो शायद ये सिंगल कैंडल पुल बैक है। हाँ, ये मार्केट ने पुल बैक लिया है, एक सिंगल कैंडल पुल बैक है, क्योंकि मार्केट ने इस कैंडल ने इस वाले प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है। तो हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं एज ए इंड्यूसमेंट। सिंगल कैंडल पुल बैक भी हमारी इंड्यूसमेंट का ही काम करती है। आप लोग चाहो तो इस वाले पुल बैक को भी अपना इंड्यूसमेंट मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये एक मेजर पुल बैक है और ये एक हमारा सिंगल कैंडल पुल बैक है, चलेगा, दोनों चलेगा। आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, आप जो लेना चाहते हो ले सकते हो, क्योंकि ये मेजर पुल बैक है। तो हम लोग चाहें तो इसको भी मार्क कर सकते हैं, ये भी बेटर है, क्योंकि मेजर पुल बैक हमारा बेटर रहता है, उतना हमारा क्या होता है कि उसमें लिक्विडिटी और ज़्यादा रहती है। मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो मेजर पुल बैक होता है वहीं पर मार्केट में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं कि अपने फंड को, अपने जो ट्रेड है उनको एक्टिव करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे लोग कि अपने ट्रेड को एक्टिव करेंगे, तो ये जो मेजर पुल बैक आया है ये यहाँ पर हमारा क्या होगा कि ज़्यादा लिक्विडेट होगा, लोगों की जो ट्रेड है वो ज़्यादा एसएल जो है यहाँ पर लगेंगे। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर ज़्यादा लोगों के एसएल उड़ाएगी, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर रख सकते हैं। ये एक मेजर पुल बैक है और ये एक सिंगल कैंडल पुल बैक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पर भी रख सकते हो, ये भी हमारा वैलिड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट में क्या हुआ कि ये हमारा हाई कन्फर्म हुआ कुछ इस लेवल पे, और इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने। बट अगर आप लोग देखोगे जो हमारा मेजर लो था, मार्केट ने उसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ये हो गया हमारा चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, ये जो मेजर लो था इसको ब्रेक कर दिया। सो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि मार्केट ने अभी इंडिकेट किया कि मार्केट अभी यहाँ से अपना ट्रेंड रिवर्स करने वाली है। मार्केट यहाँ से इंडिकेट कर दिया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। सो यहाँ पर मार्केट ने चौक किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड हो गया। अब आप लोगों को स्ट्रक्चर की जो मैपिंग करनी है वो डाउन ट्रेंड की करनी है। सो यहाँ से हो गया चौक। अब अगेन हमें अगर स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी है तो हमें क्या देखना है, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका हाई लो कहाँ पर है। सो यहाँ पर मार्केट का इंड्यूसमेंट था, और जैसे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया आपको ये कंफर्म हो गया कि मार्केट का ये जो लो है ये कंफर्म हो गया, आपको पता चल गया कि मार्केट का लो ये है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि मार्केट इस लो को ब्रेक करती है तो ये हमारा हो जाएगा बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको मार्केट जब ब्रेक करेगी तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने अगेन यहाँ पर चौक किया, ये हो गया हमारा अगेन चौक। तो मार्केट ने अगेन यहाँ से चौक कर दिया, इसको भी हम लोग मार्क कर लेंगे चौक। अब अगेन हमें देखना है इंड्यूसमेंट,
अभी मार्केट अप ट्रेंड हो गई है, तो अप ट्रेंड के लिए हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी है। सो अगर आप लोग देखोगे तो इस वाले हाई को मार्केट ने ब्रेक किया है इस वाले हाई से, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट का काम करेगा, तो इसको हम लोग मार्क करेंगे एज अ इंड्यूसमेंट। तो ये हो गया इंड्यूसमेंट। और अपना जो लो है कुछ इस लेवल पे कंफर्म है, ये वाला हमारा लो है, और यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने। सो मार्केट का ये जो हाई है कुछ इस लेवल पे आके कंफर्म हुआ। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने यहाँ से, मार्केट देखो यहाँ से मार्केट क्या है कि अभी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या बोला था, देखो यहाँ पर मार्केट क्या है कि अगर आप लोग देखोगे तो ये हाई एंड ये लो है। अभी मार्केट का हाई लो जो है वो कंफर्म है, बट मार्केट में ये जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड है ये इंटरनल ट्रेंड है मार्केट के अंदर, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, और लोग यहीं पर गलतियाँ कर देते हैं। लोग क्या गलतियाँ करते हैं, देखो मार्केट में अगर मैं आप लोग दिखाऊँ, थोड़ा सा पहले मैं स्ट्रक्चर की मैपिंग कर लूँ। देखो यहाँ पर मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक किया था, यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो ये हो जाएगा हमारा चौक। अगेन ये चौक हुआ, बैक टू बैक चौक हो रहे हैं। अगेन मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर क्लोजिंग की है तो ये चौक हो गया। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, अगेन मार्केट क्या हुई, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। अब लोग क्या करते हैं, देखो मार्केट में यहाँ तक तो मार्केट ये जो चल रहा था ये इंटरनल स्ट्रक्चर रहा। सो देखो गाइस, यहाँ पर मैं जो आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि लोग गलतियाँ कहाँ पर करते हैं, लोग ज़्यादातर गलतियाँ क्या करते हैं कि क्या करते हैं वो, कि वो जो करंट प्राइस होती है, जो इतने से पोर्शन होते हैं मार्केट के अंदर, ये जो करंट प्राइस चले उसी में स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे मार्क कर लेते हैं, या तो इस वाले हाई को पकड़ लेंगे, या इस वाले हाई को पकड़ के बॉस मार्क कर लेंगे, और इंड्यूसमेंट मार्क करके यहाँ पर अपना क्या करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद स्ट्रक्चर की मैपिंग कर लेंगे। और मेरे पास तो बहुत सारे डीएम आते हैं, और मैं पेड मेंबर्स के ग्रुप में भी देखते रहता हूँ, लोग क्या करते हैं कि बस इतने से स्ट्रक्चर में मार्क करके अपने ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे अपने ट्रेड लेने लगते हैं, और जब उनके ऑर्डर ब्लॉक फेल होते हैं तो लोग बोलते हैं कि एसएमसी की जो एक्यूरेसी है वो कम है, वो एक्यूरेसी काम नहीं करती है, एसएमसी काम नहीं करती है। तो उनका जो गलती है वो कहाँ पर हो रहा है कि मार्केट के अंदर वो सिर्फ करंट स्ट्रक्चर में ही अपने ट्रेड को एक्टिव कर देते हैं। अब अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर रिसेंट जो है अपना चौक क्या था, मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया अगेन यहाँ पर, तो ये चौक है मार्केट का जो ट्रेंड है अभी क्या है कि डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। और लोग क्या गलतियाँ करें कि मार्केट में यहाँ पर अप ट्रेंड की ट्रेड ले रहे हैं, अप ट्रेंड के लिए बैठे हैं, तो उनके जो ट्रेड है वो कैसे सही जाएंगे, कैसे एक्यूरेसी आएगी उसके अंदर, तो इसी के कारण लोग गलतियाँ करते हैं, और इसी के कारण बोलते हैं कि एसएमसी की जो एक्यूरेसी है वो काम नहीं करती, वो अच्छे से वर्क नहीं करती। अब जो लोग अच्छे से मार्किंग करते हैं, जो लोग अच्छे से स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं, अपने ऑर्डर बुक की आइडेंटिफाई करते हैं, उनको तो दिक्कत नहीं आ रही है। अब जो लोग गलतियाँ स्ट्रक्चर में ही कर देते हैं तो उनकी एक्यूरेसी कैसे निकल के आएगी, वही लोग बोलेंगे कि एसएमसी की एक्यूरेसी नहीं है, एसएमसी काम नहीं करती। तो उनको मैं यही बोलूंगा कि आप लोग स्ट्रक्चर की मार्किंग करना सबसे पहले सीख लो, और इतने से पोर्शन में आप लोग क्या करो कि स्ट्रक्चर की मैपिंग कभी भी मत किया करो, 1% भी वो सही नहीं होता, 100% वो गलत ही रहता है। उसमें अगर आप लोग मार्क करोगे इतने से करंट प्राइस में मार्क करके, ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करके करोगे, कभी भी आपके ट्रेड सही नहीं जाएंगे, वो 1% भी सही नहीं जाएंगे, 100% वो गलत ही जाएंगे, आपके एसएल ही उड़ेंगे। अगर आप लोगों को अच्छे ट्रेड करनी, अच्छे से मार्किंग करके ट्रेड करनी, तो प्रीवियस में जाओ, प्रीवियस में 10-15 दिन का डेटा लो, जो भी डेटा आप लेना चाहते हो वो डेटा लो, और 2 पॉइंट याद करके रखो कि मार्केट ने जो प्रीवियस जो मार्केट का ट्रेंड था, जो रिसेंट अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, वो कहाँ से कहाँ पर चेंज हुआ है, मतलब कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड थी तो अप ट्रेंड कहाँ पर हुई है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मार्केट का जो रिसेंट ट्रेंड है वो कहाँ पर चेंज हुआ है, और जो मार्किंग है वो आपको मैंने बता ही दिया कि कैसे आपको मार्किंग करनी है, चौक मार्क करना है, बॉस मार्क करके चौक मार्क करना है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर वो कैसे मार्क करना है। सो इस तरह से अगर आप लोग मार्किंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और आपके जो ट्रेड है वो भी एक्यूरेसी निकल के आएगी, एक्यूरेट होंगे, और उसके बाद आपके ऑर्डर बुक में भी एक्यूरेसी निकल के आएगी। जो लोग गलतियाँ करते हैं, जो लोग मुझसे बोलते रहते हैं कि हमारी जो ऑर्डर बुक है वो क्यों फेल हो रही है, ऑर्डर बुक काम नहीं कर रहे, मतलब कि मेरे पास बहुत सारे डीएम आते रहते हैं, बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि ऑर्डर बुक मेरी फेल हो गई, क्या गलती है, तो उनका यही गलती है, उन लोगों की यही गलती है कि वो सिर्फ इतने से ही मार्किंग कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं कि मेरी ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करी, एसएमसी काम नहीं करी, बहुत सारे वगैरह वगैरह सब कुछ बोलते रहते हैं। सो अगर आप लोग अपने ट्रेड में एक्यूरेसी लाना चाहते हो, अपने ऑर्डर ब्लॉक में एक्यूरेसी लाना चाहते हो, आपके ट्रेड फेल ना हो, आपके एसएल ना उड़े, आपके स्ट्रक्चर अच्छे से मार्किंग हो, तो जो मैंने तरीका आप लोगों को बताया है वही आप लोग तरीका फॉलो करो, आपकी जो ट्रेड है वो बहुत ही अच्छे से निकल के आएंगे, बहुत ही एक्यूरेट निकलेंगे। ये आपको बस इतना सा फॉलो करना है, स्ट्रक्चर की मैपिंग आपने कर ली तो आपने मानो कि हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर कर लिया। देखो मार्केट के अंदर जो
मेन पॉइंट है, जो एसएमसी के अंदर जो मेन पॉइंट है वो स्ट्रक्चर ही है। स्ट्रक्चर अगर आपने अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको हर एक चीज़ें ऑटोमेटिक पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेन जो पॉइंट है वो स्ट्रक्चर ही है, स्ट्रक्चर के ऊपर आप अच्छे से काम कर लो। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ आप उसी को बार बार देखो, उसी को बार बार प्रैक्टिस करो, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप कि मैंने आप लोगों को जितने पॉइंट बताए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आप लोगों को वीडियो कहीं पर भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है चैनल के ऊपर वो सिंगल कैंडल वाटर ब्लॉक के ऊपर आने वाली है। सो आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे चैनल पे। आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, सो जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती रहेगी। सो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।